नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन, एमडी होम्योपैथी एंड डायरेक्टर ऑफ आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक इंदौर एंड वर्किंग एज क्रिटिकल एंड सर्जिकल डिसीज स्पेशलिस्ट एज ए मॉडर्न होम्योपैथ। दोस्तों, दुनिया में कई लाइलाज बीमारी के बारे में हमने सुना है, आज एक और लाइलाज बीमारी जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है सेरिब्रल एट्रॉफी, जिसके कारण कई प्रकार की न्यूरोसेंसरी लॉस होते हैं और शरीर में कई प्रकार के समन्वय की कमी होने लग जाती है। सेरिब्रल एट्रॉफी, इसका सीधा सीधा मतलब है ब्रेन का सिकुड़ना। अगर हम इसको सीधे सीधे शब्दों में समझें तो किसी भी कारण से अगर हमारे ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं अगर उसकी एक्टिविटी कमजोर होने लगे या फिर वो सिकुड़ने लगे तो उसके कारण ब्रेन छोटा होने लगता है या फिर उस जगह से रिलेटेड जो सेंटर काम कर रहे हैं उसके कारण न्यूरोसेंसरी लॉस में या मूवमेंट्स में जो कमी होने लग जाती है। इस प्रकार की जो बीमारी है उसे हम सेरिब्रल एट्रॉफी की श्रेणी में रख पाते हैं। क्योंकि सेरिब्रल जो पार्ट है वो पूरी तरीके से कोऑर्डिनेशन का काम करने के लिए जवाबदार रहता है, इसलिए ब्रेन के सेरिब्रल एट्रॉफी के कारण काफी सारे फंक्शन डिसबैलेंसिंग में जाने लग जाते हैं, जिसके कई कारण बताए गए हैं, जैसे कि कुछ जेनेटिक कारणों से, कुछ एक्वायर्ड कारणों से, कुछ ऐसा भी हो सकता है कि कोई स्ट्रोक की आपकी हिस्ट्री हो या अल्जीमर डिसीज के कारण से, या फिर कह सकते हैं कि कुछ उम्र का पड़ाव, जैसे जैसे आगे बढ़ता है हमारी ब्रेन की कोशिकाएं सिकुड़ने लग जाती है। लगभग 25 साल तक ब्रेन पूरी अवस्था में डेवलप होता है और 25 साल के बाद प्रत्येक 10 वर्ष में 0.5 से 1% की स्पीड से वो अपना वॉल्यूम कम करते जाता है। इसी तरीके से जब हर 10 वर्ष में ये जो गति बढ़ती जाएगी तो 60 साल की उम्र में काफी सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनको हम सेरिब्रल एट्रॉफी नेचुरल तरीके से भी हम उनकी रिपोर्ट्स में पाने लग जाते हैं। सेरिब्रल एट्रॉफी के अगर हम सिम्टम्स के बारे में अगर बात करते हैं, क्योंकि उसके कारण डिमेंशिया की प्रॉब्लम हो सकती है, उसके कारण हमें डिजीनेस हो सकता है, कुछ सिर दर्द का भी एक मुख्य कारण ये सेरिब्रल एट्रॉफी पाया जाता है, या फिर एपिलेप्सी, सीजर्स या फिट्स की बीमारी भी सेरिब्रल एट्रॉफी के कारणों में एक पाई जाती है। फिट्स की ये बीमारी, जिसे हम सामान्य भाषा में मिर्गी के रूप से जानते हैं, ये भी सेरिब्रल एट्रॉफी का एक कारण हो सकता है। और सेरिब्रल एट्रॉफी के कारण भी फिट्स आ सकते हैं, ऐसा ये दोनों कंडीशन एक दूसरे के साथ वाइस वर्सा या एक दूसरे से रिलेटेड भी हो सकती है। सेरिब्रल एट्रॉफी की एक ऐसी पेशेंट जिसके बारे में आज उनकी पूरी आपने कहानी सुनी, मिसेस अर्पिता नहार, जो कि 8 साल की उम्र से सेरिब्रल एट्रॉफी की बीमारी से पीड़ित थी और उसके कारण उन्हें एपिलेप्सी के झटके या फिर काफी तेज सिर दर्द का सामना करना पड़ता था। एक ऐसी बीमारी जो कि उनके लिए लाइलाज साबित होती जा रही थी, उन्होंने काफी इलाज कराया, करीब 10-11 साल तक उन्होंने छत्तीसगढ़ के काफी सारे शहरों में, फिर नागपुर में, हैदराबाद में, काफी जगह बड़े बड़े हॉस्पिटलों में दिखाया, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही थी। सभी ने उनको एक ही चीज बोली कि सेरिब्रल एट्रॉफी एक लाइलाज बीमारी होती है और इसका दुनिया में अभी तक कोई इलाज पाया नहीं गया है, तो आप मान के चलिए कि इसको जीवन भर इस तरीके की अवस्था से गुजरना पड़ेगा और उम्र के साथ और भी कई सारे न्यूरोसेंसरी लॉस का सामना करना पड़ सकता है। जो सिकड़ा हुआ ब्रेन है किसी भी अवस्था में वापस नहीं आया जा सकता, ऐसा साफ साफ मेडिकल साइंस की भाषा में लिखा हुआ है। इस कारण से वो लोग काफी जब हताश हो चुके थे, काफी निराश मुद्रा में आ चुके थे, उन्हें यहां तक कह दिया गया था कि अगर आपको इसका कोई ट्रीटमेंट करना है तो हैदराबाद में कि इसकी हम सर्जरी करने का भी सोच सकते हैं, उसके बावजूद भी कोई गारंटी नहीं है कि ये पूरी तरीके से सामान्य अवस्था में आ सके। ऐसे पेशेंट मिसेस अर्पिता नाहर, जो काफी हेडेक से पीड़ित रहती थी और 11 साल से वो इस प्रॉब्लम से जूझ रही थी, ऐसी अवस्था में उन्होंने किसी से मॉडर्न होम्योपैथी ट्रीटमेंट के बारे में पता किया और हम लोगों से जब कांटेक्ट किया, ये मॉडर्न होम्योपैथी का चमत्कार ही है दोस्तों कि केवल 11 महीनों के ट्रीटमेंट में उसकी जो सेरिब्रल एट्रॉफी की जो बीमारी थी वो पूरी तरीके से सामान्य हो गई। उनकी जो पहले की सेरिब्रल एट्रॉफी की जो रिपोर्ट है 11 महीने बाद की, जो हमारे ट्रीटमेंट के बाद हमने इंदौर बुलाकर उनको फिर से सीटी स्कैन कराई, वो पूरी तरीके से सामान्य पाई गई और उनकी जो एपिलेप्सी की बीमारी थी वो पूरी तरीके से जड़ से भी खत्म हुई, बिना किसी दवाई का सपोर्ट लिए, बिना किसी जीवन भर की दवाई की निर्भरता लिए। और दोस्तों, इस मॉडर्न होम्योपैथी के चमत्कार से जब उनका पूरी तरीके से सेरिब्रल एट्रॉफी का जो प्रॉब्लम है नॉर्मल हो गया, जब वो ब्रेन पूरी तरीके से नॉर्मल अवस्था में प्राप्त हो चुका है, तो उस कारण से उसकी जो सिर दर्द की प्रॉब्लम थी, जो सीवियर हेडेक के कारण वो जीवन भर प्रताड़ित होने की जो डर उनके दिमाग में बैठा हुआ था वो पूरी तरीके से समाप्त हुआ और आज वो निश्चिंत होकर अपना जीवन जी पा रही है। मॉडर्न होम्योपैथी का एक ऐसा ही चमत्कार जिसके कारण उसने अपनी सिर दर्द से पूरी तरीके से निजात पाई। तो इस तरीके की जो न्यूरोलॉजिकल जो काफी लाइलाज बीमारी मानी जाती है उनके लिए मॉडर्न होम्योपैथी आज के डेट में सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट के रूप में किसी चमत्कार या वरदान से कम नहीं है। तो निश्चित तौर पर दोस्तों, अगर आपको इस तरीके से न्यूरोलॉजी से रिलेटेड, ब्रेन से रिलेटेड कैसी भी बीमारी जिसके लिए आपको जीवन भर किसी दवाई की निर्भरता का सामना करना पड़ रहा है, आपको किसी प्रकार की सर्जरी की बाध्यता आ रही है, या फिर काफी समय से आप वेट कर रहे हैं कि हमारे बॉडी रिस्पॉन्स को एक्टिव करने के लिए हम जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो काम नहीं कर रहा है, तो निश्चित तौर पर मॉडर्न होम्योपैथी आपके लिए इस समय चमत्कार या वरदान से कम नहीं है। और अंत में दोस्तों यही कहना चाहूंगा कि मॉडर्न होम्योपैथी का आप ज्यादा से ज्यादा लाभ लीजिए, खुद भी स्वस्थ रहिए, दूसरों को स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित करें और उन्हें प्रेरणा दें। इसी भावना के साथ
कि आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और हमेशा मुस्कुराते रहे। मैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन, आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक इंदौर। थैंक यू, नमस्कार।